मैट्रिक्स भी एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है इन रोज एंड कॉलम्स. ऐसे ही कुछ नंबर्स लिख देंगे और ऐसा एक स्क्वायर ब्रैकेट जैसा डाल देंगे रोज एंड कॉलम्स के रूप में. एक एरे ऑफ नंबर्स है अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स. डिटरमिनेंट भी ऐसा ही था, एक एरे ऑफ नंबर्स था अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स. लेकिन उसको हम लोग दो लंबा डंडा के बीच में लिखते थे उनको, और डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर होता है. सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट जब बोलेंगे उसका मतलब होता था दो रो दो कॉलम. थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट जब बोलते उसका मतलब होता था तीन रो तीन कॉलम. लेकिन मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स का संख्या जरूरी नहीं है कि बराबर हो, यानी मैट्रिक्स देखने में हॉरिजॉन्टल लग सकता है या वर्टिकल रेक्टेंगल जैसा भी लग सकता है. जैसे इसमें दो ही रो हैं लेकिन तीन कॉलम में नंबर्स अरेंज्ड हैं. या अगर हम ऐसा एक मैट्रिक्स लिख देते इसमें रोज का संख्या तीन है कॉलम्स का संख्या दो है, या मैट्रिक्स एक स्क्वायर भी हो सकता है रोज एंड कॉलम्स बराबर है. एक मैट्रिक्स में जितना रोज होता है वो संख्या को अगर हम m कहें, जितना नंबर ऑफ कॉलम्स है उस संख्या को n कहें, तो ऐसे बोलते हैं m इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है. जैसे इस मैट्रिक्स को बोलेंगे 2 इंटू थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे 3 रोज 2 कॉलम्स 3 इंटू टू ऑर्डर का मैट्रिक्स. और अगर मैट्रिक्स में 3 रो 3 कॉलम हो उसको बोलेंगे 3 इंटू थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स. डिटरमिनेंट भी एक एरे ऑफ नंबर्स है अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. मैट्रिक्स भी एक एरे ऑफ नंबर्स है अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स. दोनों में अंतर हम बताते जा रहे हैं आपको. एक तो लिखने के तरीके में अंतर है, इसमें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट जैसा डालते हैं, इसमें सिर्फ दो लंबा डंडा, पहला अंतर. दूसरा अंतर कि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर होगा, मैट्रिक्स जरूरी नहीं है स्क्वायर. तीसरा अंतर कि डिटरमिनेंट का एक वैल्यू होता है जो कि हम लोग इस डिटरमिनेंट को कहते हैं कि एक्सपेंड करेंगे तो जो एक संख्या आएगा दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. जबकि मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, मैट्रिक्स सिर्फ एक चित्र है. इस मैट्रिक्स का नाम अगर ए है, इस मैट्रिक्स का नाम बी है, इस मैट्रिक्स का नाम सी है, एनी अरेंजमेंट. अब इक्वल टू करके कोई इसका एक वन सिंगल नंबर नहीं है, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं होता है मैट्रिक्स का, ये सिर्फ एक चित्र है. दो डिटरमिनेंट को हम इक्वल डिटरमिनेंट कब बोलते हैं. एक सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट लिख दें 5 4 2 1, एक फिफ्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट लिख दें बी और ए. अगर ए का वैल्यू एक्सपेंड करने पर और बी का वैल्यू एक्सपेंड करने पर अगर सेम आ जाए तो हम इन दोनों डिटरमिनेंट को कहेंगे कि दे आर इक्वल डिटरमिनेंट. लेकिन दो मैट्रिक्स को कब कहेंगे कि इक्वल है, तभी कहेंगे जब दोनों का एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो, यानी सेम चित्र होना चाहिए. ये मैट्रिक्स ये है, यहां अगर हम एक मैट्रिक्स बी लिखें एग्जैक्टली वही वही एलिमेंट्स को कॉपी कर दें, अब हम कह सकते हैं ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है. जैसे वेक्टर अलजेब्रा में दो वेक्टर को हम कब कहते हैं कि इक्वल है, a1 a2 a3 जे कैप प्लस a3 के कैप, और एक वेक्टर है b1 आई कैप b2 जे कैप और b3 के कैप, वेक्टर b और वेक्टर a. हम इन दोनों वेक्टर को कब कहेंगे कि इक्वल है, वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b. ये हम डिसाइड करते हैं शुरू में ही, एक लैंग्वेज क्रिएट कर रहे हैं हमसे. ये सिर्फ एक चित्र है, इसका कोई वैल्यू नहीं है. दो चित्र को इक्वल चित्र कब कहेंगे, जब दोनों एग्जैक्टली सेम हो, यानी उसका एक एक एलिमेंट, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, एक एक एलिमेंट मैच करना चाहिए, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग.
उसी तरह से दो वेक्टर को कब कहते कि इक्वल होगा, जब ईच कंपोनेंट मैच करे, यानी ए वन इक्वल टू बी वन होना चाहिए, ए टू इक्वल बी टू एंड ए थ्री इक्वल बी थ्री, तब कहेंगे कि दोनों वेक्टर इक्वल है। दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर लिखा हो ए वन बी वन सी वन इक्वल टू जीरो, हम सब जानते हैं कि दिस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ बना सकते हैं। और एक और इक्वेशन हम दे दें, अगर ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू हो, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन इक्वल स्ट्रेट लाइन, मतलब आइडेंटिकल स्ट्रेट लाइन, दोनों इक्वेशन को सेम माना जाएगा। 2x plus 3y minus 5 equal to 0 equation and 4x plus 6y minus 10 equal to 0, दोनों इक्वेशन को सेम इक्वेशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक इक्वेशन मतलब एक सेट ऑफ सॉल्यूशन, पेयर ऑफ नंबर्स हम ढूंढ सकते हैं अनगिनत जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। x के जगह कोई एक नंबर डालिए 0, अब y का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए 5/3, x के जगह डालिए 1, y का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए 1। इस तरह से हम इनफाइनाइट पेयर ऑफ नंबर्स ढूंढ सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो पूरा सेट कहलाता है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट भी एग्जैक्टली वही सेट है, तो वैसे स्थिति में हम कहेंगे दीज टू इक्वेशंस आर द सेम इक्वेशंस, आइडेंटिकल। तो ये हम लोग डिसाइड करते जा रहे हैं कि एक एरे ऑफ नंबर्स हम लिखे हैं arranged in the form of rows and columns, ये सिर्फ एक चित्र है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। और दो चित्र को हम इक्वल चित्र कब कहेंगे? जब एक एक एलिमेंट मैच करेगा। अब क्लियर हुआ ना? जैसे कि मान लीजिए हम यहां एक मैट्रिक्स लिख दिए 2x2 ऑर्डर का, और यहां एक लिखे 5c1 c2 c3, अब बीच में इक्वल टू साइन, तो आप c1 c2 c3 का वैल्यू समझ गए ना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं कि c1 का वैल्यू 4 है, c2 का वैल्यू 3 है और c3 का वैल्यू 2 है, यही हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। कि दो मैट्रिक्स के बीच में अगर हम इक्वल सिंबल डालते हैं तो तभी ऐसा करेंगे जब एक एक एलिमेंट मैच करेगा। एक मैट्रिक्स को हम संक्षेप में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बराबर ए आई जे, आई वैरीज फ्रॉम 1 to m, जे वैरीज फ्रॉम 1 to n। अगर m इंटू n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, उसका नाम रख दिए ए। हर मैट्रिक्स तो बना होता है कुछ एलिमेंट्स का, a11 जो डिटरमिनेंट में हम लोग का नॉमेनक्लेचर था, यहां वाले एलिमेंट को हम लोग a11 नाम से पुकारते थे, a12, a13, a1n, n कॉलम्स। फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट्स को हम लोग a11, a12, a13, सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स को a21, a22, a23, a2n, mth रो का सारा एलिमेंट्स am1, am2, am3, amn। तो इसी को संक्षेप में हम लिखेंगे कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, वेयर आई वैरीज फ्रॉम 1 to m एंड जे वैरीज फ्रॉम 1 to n। ये तरीका है हम लोग को मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का, यानी हम ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ए आई जे नाम से पुकारने जा रहे हैं। तो दूसरा मैट्रिक्स भी है, उसके एलिमेंट्स को मे बी हम बी आई जे नाम से पुकारने जा रहे हैं, आई वैरीज फ्रॉम 1 to अगर m हो, j varies from 1 to n। मैट्रिक्स को हम लोग संक्षेप में इस तरह से डिनोट करेंगे। अब ऐसे लिखेंगे कि a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब a i j इक्वल टू b i j, ऐसा हम लोग का भाषा होगा। माने हम सिर्फ कहना चाह रहे हैं कि ए मैट्रिक्स का एक एलिमेंट लिखे, एक यहां एक नहीं यहां सारा लिख दिए, ये एक एलिमेंट है उस मैट्रिक्स का और ये सारा, तो हम दो मैट्रिक्स को इक्वल तभी कहेंगे जब इस मैट्रिक्स का आईएथ रो जेएथ कॉलम वाला एलिमेंट
मैच कर रहा हूं इस मैट्रिक्स के ith रो jth कॉलम वाले एलिमेंट के साथ, फॉर एवरी आई 1 to m एंड फॉर एवरी j 1 to n, यानी सारा एलिमेंट a का b के सारे एलिमेंट से मैच करेगा, तभी कहेंगे a बराबर b है। ये हमारा लैंग्वेज है मैट्रिसेस का। सरल शब्दों में समझना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ क्या कहना चाहते हैं, एक एक एलिमेंट मैच करने का। कुछ ऑपरेशंस जो मैट्रिसेस पे हम लोग अप्लाई करेंगे, जिससे पहला ऑपरेशन है किसी मैट्रिक्स को अगर हम किसी स्केलर से गुना कर दें कोई नंबर से, जैसे एक वेक्टर हुआ है 2i cap + 3j cap + 4k cap वेक्टर ए, हम चाहते हैं कि आप एक नया वेक्टर बना रहे हैं 3 times वेक्टर ए, यानी हम चाहते हैं कि आप इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए विद स्केलर, तो उसका क्या मतलब होगा ये डिसाइड हो गया है। मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर बाय ए स्केलर मींस मल्टीप्लाइंग ईच कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर बाय दैट स्केलर, यही डिसाइड हुआ है, यही हमारा लैंग्वेज है। ऐसे लिखेंगे तो आप समझेंगे कि हम हर कंपोनेंट को 3 से गुना कर रहे हैं। उसी तरह से यहां भी कुछ डिसाइड कर लें, अगर हम एक मैट्रिक्स ए लिखें 2, 3, -4, 5, 11, 6 और एक मैट्रिक्स हम बी लिख रहे हैं 1/2 times मैट्रिक्स ए, 1/2 times दिस, तो इसका मतलब क्या समझना है, कौन सा ऑपरेशन करने हम बोल रहे हैं, तो उसका मतलब समझना है कि हर एलिमेंट को 1/2 से गुना करना है। सो मल्टीप्लाइंग दिस मैट्रिक्स बाय अ नंबर 1/2 मींस मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट बाय 1/2, ये हम लोग डिसाइड कर लिए। इस बात को कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग मैट्रिक्स ए बाय स्केलर के मींस कैसे लिखेंगे, देखिए के टाइम्स ए आई जे, मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करना मींस उसके हर एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करना, ये लैंग्वेज हमारा। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इस तरह से लिख पाए तुरंत, वक्त लगता है कंफर्टेबल होने में, महत्वपूर्ण है जो शब्दों में आपको हम बोल रहे हैं वो समझ जाए। डिटर्मिनेंट में ये मतलब नहीं हुआ करता था, अगर हम एक डिटर्मिनेंट यहां लिख देते हैं सेकेंड ऑर्डर का लिख रहे हैं ए, अगर हम कहते कि एक नया डिटर्मिनेंट बना रहे हैं इस डिटर्मिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो दिस डस नॉट मीन कि आप 2 से सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो आंसर नहीं मैच करेगा। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब था कि आप इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए और उस संख्या को 2 से गुणा कीजिए, 20 - 6 = 14 × 2 = 28। अगर आप ऐसा कर दिए होते 2 से सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर 28 नहीं आएगा। देखिए कितना आ रहा है, 80 - 24 56 आ रहा है। तो क्या मतलब हुआ करता था मल्टीप्लाइंग अ डिटर्मिनेंट बाय सम स्केलर, मतलब था कि आप किसी एक रो के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी एक या किसी एक कॉलम को। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते अगर फर्स्ट कॉलम को, यहां 10 यहां 6 लिख देते, अब वही आंसर आएगा 28। या आप अगर सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते 2 से, किसी एक कॉलम या किसी एक रो को मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिसेस में देखिए अगर हम ये मैट्रिक्स लिखा है यही 5 2 3 4 और हम एक नया मैट्रिक्स लिख रहे हैं 2 times मैट्रिक्स से, तो उसका मतलब है नया चित्र, ये चित्र हम मीन कर रहे हैं। हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो चित्र बनेगा हम वो चित्र का बात कर रहे हैं। लेकिन यही अगर डिटर्मिनेंट है ये और हम 2 से मल्टीप्लाई करने बोलते हैं तो इट मींस कि आप उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे उसके स्केलर से। हम 2 मैट्रिक्स को एड करने बोलेंगे तो उसका क्या मतलब होगा, यानी एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, या कोई मतलब होगा भी कि नहीं ये हम ही लोग डिफाइन करेंगे ना। हम लोग सीखे हैं कि a1 a2 a3
एक वेक्टर है और एक वेक्टर बी है, बी वन बी टू बी थ्री हम लोग डिफाइन किए हैं, इन दोनों के बीच में एक बाइनरी ऑपरेटर कॉल्ड एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तभी आप ऐड करते हैं। जब हम ऐसा लिखते हैं तो हम लोग सबको समझ जाते हैं, ए वन प्लस बी वन कॉमा ए टू प्लस एक्स कॉम्पोनेंट को एक साथ ऐड करें, ए टू प्लस बी टू वाई कॉम्पोनेंट को एक साथ और जेड कॉम्पोनेंट को एक साथ, यही डिसाइड हुआ है। दो डिटर्मिनेंट के बीच में ऐसा ऑपरेशन डिफाइन तो नहीं किए, जरूरत भी नहीं था, यहां ए कोई भी डिटर्मिनेंट है थर्ड ऑर्डर का, अभी एक डिटर्मिनेंट है सेकेंड ऑर्डर का, अब ऐड करना है। हाँ, तो उसका मतलब था कि इसका वैल्यू निकाल लीजिए, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, और दो रियल नंबर के बीच में जो प्लस होता है वही प्लस था यहां, सो देयर इज नथिंग स्पेशल इन दैट। लेकिन मैट्रिसेस को जब कहेंगे कि ऐड कीजिए तो क्लियर करना होगा, क्योंकि यहां तो सिर्फ दो रियल नंबर था जिसको ऐड करने बोल रहे हैं। जैसे इस प्लस को डिफाइन करने का जरूरत नहीं, वो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, बिकॉज दीज आर टू रियल नंबर्स, लेकिन इस प्लस को डिफाइन करने का जरूरत था, दिस वॉज अ डिफरेंट प्लस, नया प्लस, वेक्टर प्लस, दिस इज स्केलर प्लस। उसी तरह से दो डिटर्मिनेंट के बीच में अगर एक प्लस लिखते हैं, इट इज नथिंग डिफरेंट, नथिंग न्यू, दो रियल नंबर को ऐड करना था, स्केलर एडिशन। लेकिन दो मैट्रिसेस को जब कहेंगे कि ऐड कीजिए, एक चित्र बना दिया यहाँ पे टू थ्री फोर माइनस फाइव सिक्स सेवन, और एक चित्र और बना दिए वन टू, ये टू इंटू वन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दो रो एक कॉलम, ये टू इंटू थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कहें कि ऐड कर दीजिए, तो वी मस्ट डिफाइन एडिशन। हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि दो मैट्रिक्स को जब हम कहेंगे कि ऐड कीजिए, तो पहले जरूरी है कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए, सेम ऑर्डर का एडिशन करने के लिए जरूरी है। इस महत्वपूर्ण कंडीशन को कहते हैं कॉन्फॉर्मैलिटी, माने एडिशन ऑपरेशन लगाने के लिए दोनों मैट्रिक्स को कॉन्फॉर्म करना होगा कुछ कंडीशन से जो सेटिस्फाई करना होगा, यही कंडीशन, दे मस्ट बी ऑफ द सेम ऑर्डर। तब वैसे अवस्था में कहते हैं कि ए एंड बी कॉन्फॉर्म टू द एडिशन ऑपरेशन। और अब ऐड कैसे करेंगे, तो पहले तो इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, ऐड करने के लिए दोनों का सेम ऑर्डर होना जरूरी है, कुछ कुछ लिख दे रहे हैं, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों को हम ऐड करके दो चित्र है सेम ऑर्डर का है, अब ऐड करना है। ये एडिशन रियल नंबर्स वाला एडिशन नहीं है, वेक्टर वाला एडिशन भी नहीं, एक नया एडिशन है, नया बाइनरी ऑपरेटर है। तो कैसे ऐड करना है, ऐड करके एक नया चित्र बनाना है, तो डेफिनेशन के अनुसार उतने ही ऑर्डर का एक चित्र बनेगा, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके लिखना है टू प्लस वन। अब ये प्लस रियल नंबर्स वाला प्लस है, स्केलर एलजेब्रा वाला प्लस, ओके, यहां थ्री लिख देना है, थ्री प्लस जीरो लिख देना है, फोर प्लस थ्री लिख देना है, वगैरह वगैरह। यानी कि जो जब दो मैट्रिक्स को ऐड करने बोलेंगे, मैट्रिक्स ए ए आई जे, मैट्रिक्स बी बी आई जे, माने उसके एलिमेंट्स को हम लोग इसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आई जे दोनों में सेम सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल किए, और यहां लिख दिए हैं आई वैरीज फ्रॉम वन टू एम, जे वैरीज फ्रॉम वन टू एन, मतलब दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज सेम है एम, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम है एन, यानी सेम ऑर्डर का है, इसीलिए ये प्लस ऑपरेशन वहां डाल सकते हैं, और ऐड करने पर एक चित्र बनेगा जिसका एलिमेंट को अगर हम सी आई जे कह लें, एलिमेंट्स को, उसमें भी आई का वैल्यू वन टू एन होना चाहिए, जे का वैल्यू वन टू एन, एम इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो एम इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स के साथ ही ऐड होगा, और एम इंटू एन ऑर्डर का ही एक चित्र मिलना चाहिए, और उसका जो एलिमेंट्स होगा सी आई जे ईच वो इक्वल टू होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम, यानी ए आई जे प्लस बी आई जे। ये भाषा है हमारे लिखने का, लेकिन सरल शब्दों में समझना जरूरी है, जब भी हम ये प्लस ऑपरेशन डालेंगे दो मैट्रिक्स के बीच में, तो एक नया चित्र आपको बनाना होगा ऐसे। क्या हम जमा करते जा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर को ऐसे लिखे हैं सरल शब्दों में, के टाइम्स अ मैट्रिक्स मींस मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बाय दैट स्केलर के, सबको एडिशन, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी दोनों के नीचे सबस्क्रिप्ट सेम नाम है आई जे,
अगर इसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट होता तो हम सेम सबस्क्रिप्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर मान लीजिए ये 2 × 3 ऑर्डर का होता और ये 3 × 5 ऑर्डर का, तो हम ए आई जे लिख सकते थे यहां पे और यहां पे बी जे के लिख सकते थे, क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और उसका नंबर ऑफ रोज मैच कर रहा है। I varies from 1 to 2 लिखते, J varies from 1 to 3, दोनों के लिए बात सेम होता, K varies from 1 to 5। और अगर ये बिल्कुल ही भिन्न ऑर्डर का होता तो कुछ यहाँ पे B, LM लिखते और I varies from 1 to 2, J varies from 1 to 3, L varies from 1 to 4, सब अलग अलग। जब सेम सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब हम मीन कर रहे हैं कि दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, I और J, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों का सेम है, दोनों को ऐड करने पर जो मैट्रिक्स बनेगा उसका एक एक एलिमेंट लिख दिए हैं। माने आप जो एलिमेंट यहां लिखे हैं दैट इज द एलिमेंट ऑफ द आईथ रो एंड जेथ कॉलम, जो कि ऑब्टेन करना है आपको यूजिंग दिस डेफिनेशन, उस मैट्रिक्स का आईथ रो जेथ कॉलम का एलिमेंट को इस मैट्रिक्स के आईथ रो जेथ कॉलम एलिमेंट के साथ ऐड करने पर जो मिलेगा वो। अब जब एडिशन ऑपरेशन डिफाइन कर दिए बिटवीन टू मैट्रिसेस, तब कुछ प्रॉपर्टीज इस बाइनरी ऑपरेटर का प्रॉपर्टी, पहला कॉम्यूटेटिव है, ए प्लस बी बोलें कीजिए चाहे बी प्लस ए, कॉम्यूटेटिव इसलिए होगा क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव है, दिस प्लस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस प्लस, ये प्लस ऑलरेडी हम जानते हैं कॉम्यूटेटिव है, रियल नंबर्स के बीच में प्लस इज कॉम्यूटेटिव, इसीलिए बी प्लस ए लिखेंगे पहले ही बाद में ही, तो यहां बी आई जे प्लस ए आई जे होगा, उसका एलिमेंट प्लस इसका एलिमेंट, तो सेम आंसर आएगा। सो मैट्रिक्स में जो बाइनरी ऑपरेटर है प्लस वो कॉम्यूटेटिव हो गया, इसलिए क्योंकि रियल नंबर्स वाला जो प्लस डिफाइन किए थे दैट वाज कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव। ए प्लस बी प्लस सी तीन मैट्रिक्स को ऐड करना है, एक बार में दो ही ऐड होता है, तीन नहीं। अगर हम यहां ब्रैकेट डाल देते हैं उसका मतलब हम चाहते हैं कि पहले ए और बी को जोड़िए, एक चित्र बनाइए और फिर उस चित्र को सी के साथ ऐड कीजिए। अगर हम ब्रैकेट यहां डालते हैं तो उसका मतलब पहले बी और सी को ऐड करके एक मैट्रिक्स बनाइए फिर ए के साथ ऐड कीजिए, बट दोनों मैट्रिक्स सेम आता है, यानी ब्रैकेट डालने का जरूरत नहीं था। ए प्लस बी प्लस सी सिर्फ लिख देते विदाउट एनी ब्रैकेट तो भी हम समझ जाते, जिसको जिससे मन ऐड कीजिए, पहले ए को सी से ऐड कर लीजिए मैट्रिक्स बनाइए तब भी से ऐड कीजिए, सो यानी एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है ये वाला ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक स्केलर क्वांटिटी है के, उसको स्केलर बोलते हैं, कोई नंबर से गुणा कर रहे हो जैसे, तो दो मैट्रिक्स को ऐड करके, अब जब भी बोल रहे हैं ना ऐड करने हैं तो आप समझ रहे हैं कि दोनों सेम ऑर्डर का है, नहीं तो आप ऐड नहीं कर सकते, तो दोनों को ऐड करके एक चित्र बनाइए और फिर एक स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिए, या पहले ए को मल्टीप्लाई कर लीजिए उस स्केलर से और बी को अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर उसको दोनों को ऐड कीजिए, यू गेट द सेम रिजल्ट। ये मुश्किल नहीं है प्रूव करना, ए प्लस बी इज ए आई जे प्लस बी आई जे, और उसको के से मल्टीप्लाई करना मतलब के आई जे प्लस के बी आई जे, सबको मल्टीप्लाई करना, एंड दिस मीन्स के आई जे प्लस के बी आई जे विच इज के ए प्लस के बी। ये सब प्रूफ नहीं कोई आपसे पूछने वाला है, ये बाइनरी ऑपरेटर जो प्लस नाम का एक क्वांटिटी डिफाइन किए इससे रिलेटेड जितना महत्वपूर्ण बात था सब वहां लिख दी। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, इट इज जस्ट लाइक एडिशन, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को कहें कि सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ए माइनस बी, आपको समझना है ए प्लस माइनस बी, माइनस बी माने माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले बी मैट्रिक्स के सब एलिमेंट को तब ऐड कर दीजिए, या सरल शब्दों में यहां 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 5 9 माइनस 4 2 6 इज इक्वल टू लिखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो है माइनस 1 माइनस 5 माइनस 9 फिर ऐड कर दीजिए प्लस माइनस 1 विच इज सेम एज 2 माइनस 1 3 माइनस 5 4 माइनस 9
5 minus minus 4, 6 minus 2 and 7 minus 6, ये मैट्रिक्स a माइनस b लिखेंगे तो आपको समझना है कि हम ये लिख रहे हैं. हाँ, ये कॉम्पिटेटिव नहीं है. a माइनस b मैट्रिक्स और b माइनस a मैट्रिक्स आर नॉट द सेम मैट्रिक्स. एक माइनस साइन का अंतर रहता है. a माइनस b मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स. मतलब कि b माइनस a मैट्रिक्स अगर आप बना लिए, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माने सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब जो मैट्रिक्स आएगा वो इक्वल टू a माइनस b मैट्रिक्स के बराबर होगा. माने जो तो अपने मर्जी से कुछ कुछ नहीं करते चले जाते ना, आप कहीं पे a बटे b लिख नहीं सकते हैं. दो मैट्रिक्स का डिवीजन करने पर एक नया मैट्रिक्स हाँ लिख सकते हैं, अगर हम डिफाइन कर दें तो लिख सकते हैं. जो कुछ भी लिखेंगे वो पहले से डिफाइंड होना चाहिए. अब हम वेक्टर का स्क्वायर, ऐसा कुछ डिफाइन ही नहीं किया है वेक्टर अलजेब्रा में, स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर, तो ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट है. तो केवल आप क्या सीख रहे हैं कि क्या क्या चीज हम लोग डिफाइन किए हैं, मैट्रिसेस से संबंधित कौन कौन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को डिफाइन किए. मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस वो डिटर्मिनेंट की तरह है, थोड़ा अंतर है. हम जब दो डिटर्मिनेंट को कहते हैं कि गुना कर दीजिए, ए और बी दो डिटर्मिनेंट को गुना करने बोलते हैं, दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए. गुना करने के लिए दोनों को सेम ऑर्डर का होना जरूरी है. गुना करके हम वन सिंगल डिटर्मिनेंट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसको ऑफ द सेम ऑर्डर. थर्ड ऑर्डर इंटू थर्ड ऑर्डर इज अनदर थर्ड ऑर्डर. ये एलिमेंट्स हम अगर पता हो, a11, a12, a13, a21, a22, b11, b12, तो c11, c12, c13 सब खोज देंगे, एक एक एलिमेंट खोज देंगे. इतना बराबर क्या लिखेंगे पहले डिसाइड कर लेंगे कि हम किस तरह का मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं, रो बाई कॉलम, रो बाई रो, कॉलम बाई कॉलम, किसी भी तरह से कर लीजिए. डिटर्मिनेंट देखने में अलग आएगा, पर उससे क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट का तो शक्ल से कहां मतलब है, उसके वैल्यू से मतलब है. मैट्रिसेस में भी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. तो पहला चीज लिख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने के लिए जरूरी है कि अगर मैट्रिक्स ए m इंटू n ऑर्डर का है और उसको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं बी मैट्रिक्स के साथ इस प्रकार, यानी पहले ए को लिखा गया है, पोजीशन देखिए ए का, डिटर्मिनेंट में ये सब झंझट नहीं है. ए का पोजीशन पहले लिखा गया है, बी का बाद, इसको बोलते हैं प्री, इसको बोलते हैं पोस्ट. पोस्ट माने बाद में, प्री माने पहले. रियल नंबर को जब गुना करने बोलते हैं ना, 2 into 3 रियल नंबर, तो वहां पे पहले किसको लिख रहे हैं बाद में किसको, ये अनइंपॉर्टेंट है. आप 2 into 3 लिखिए चाहे 3 into 2 लिखिए, बात बराबर है. और मैट्रिसेस में नहीं, डिटर्मिनेंट्स में a into b लिखिए या b into a लिखिए, बात बराबर है. और मैट्रिसेस में नहीं, मैट्रिक्स एक चित्र है, डिटर्मिनेंट चित्र नहीं है. अगर कोई रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करने के बजाय रो बाय रो कर दिया, नया दिखने में चित्र नया लगेगा, लेकिन वैल्यू सेम आ गया तो इट्स ओके. पर मैट्रिक्स में अगर हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे और रो बाय रो कोई करेगा तो अलग अलग चित्र आएगा. यानी मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में पहले डिसाइड करना होगा कि कौन वाला मल्टीप्लीकेशन करना है हम लोगों को. तो वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन करेंगे मैट्रिसेस में, नहीं तो चित्र अलग हो जाए. डिटर्मिनेंट में डजंट मैटर, आपको जो मन करना है करिए, क्योंकि हमको इसके शक्ल से कोई मतलब नहीं है. यहां पे क्या लिखा है, यहां क्या लिखा है, हमको मतलब नहीं है, वैल्यू से होना चाहिए. तो मैट्रिक्स में हम लोग डिसाइड किए हैं मल्टीप्लाई करने के लिए जरूरी है कि हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन करेंगे. तो वैसे स्थिति में अगर ए मैट्रिक्स एम इंटू एन ऑर्डर का है जो प्री में लिखा है, तो जो पोस्ट में लिखा होगा वो मैट्रिक्स एन इंटू पी ऑर्डर का होना चाहिए. यानी कि इसका नंबर ऑफ कॉलम्स मैच करना चाहिए इसके नंबर ऑफ रोज से, नहीं तो होगा ही नहीं मल्टीप्लीकेशन. चेक करके देखते हैं. हम यहां एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं 2 by 3 ऑर्डर का, दो रो 3 कॉलम, 2, 3, -4, 5, 1, 6. अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा जब किसी मैट्रिक्स से, तो उसमें 3 रो होना जरूरी है, कॉलम चाहे जितना हो, रो का संख्या 3 होना जरूरी है, 3 रोज. एंड 4 कॉलम्स, 3 रोज 3 कॉलम्स, 3 रोज 2 कॉलम्स, 3 रो 1 कॉलम, 3 रोज 1 कॉलम,
टू माइनस वन जीरो, हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये थ्री इंटू वन ऑर्डर का है, इसको हम मैट्रिक्स ए कह रहे हैं, उसको मैट्रिक्स बी। अब बी इंटू ए मल्टीप्लीकेशन होगा ही नहीं, क्योंकि अगर बी को पहले लिखते हैं ए को बाद में, तो बी का ऑर्डर है थ्री इंटू वन और ए का ऑर्डर है टू इंटू थ्री, ये दोनों नंबर मैच करना चाहिए। यानी अगर इस मैट्रिक्स का नाम ए है, इस मैट्रिक्स का नाम बी है, तो ये लोग कॉन्फर्म करता है फॉर मल्टीप्लीकेशन ओनली इन दिस ऑर्डर, ए प्री पोजिशन में होना चाहिए, बी पोस्ट में। और अगर मैच नहीं किया, ये टू इंटू थ्री ऑर्डर का है, कुछ फोर इंटू फाइव ऑर्डर का है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, तो किसी भी तरह से इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तय हो चुका है रो बाय कॉलम। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसी तरह से पहले तो ये बता दें कि अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मैट्रिक्स जो बनेगा वो एम इंटू पी ऑर्डर का बनेगा। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये कॉमन है, और टू इंटू वन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनेगा, यानी दो रो एक कॉलम, दो रो एक कॉलम, यानी कि दो ही एलिमेंट होगा बस। इन दोनों का वैल्यूज हमको ढूंढना है, इनको हम सी वन वन कह लेते हैं, हाँ इसको सी टू वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो। अब सी वन वन एलिमेंट का वैल्यू खोजने के लिए हमको ए का लेना है फर्स्ट रो और बी का लेना है फर्स्ट कॉलम, दैट इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन। टू इंटू टू प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस जीरो, यानी ये एलिमेंट हो गया वन। अब सी टू वन, यानी इसका लेना है सेकेंड रो और उसका फर्स्ट कॉलम, फाइव इंटू टू माइनस वन प्लस जीरो नाइन। तो दिस इंटू दिस, अब सारा मैथमेटिशियन यही चित्र लिखेगा, नथिंग एल्स। अगर यहां हम और कॉलम्स इंट्रोड्यूस कर दें, जितना मन कर सकते हैं, रोज का संख्या नहीं चेंज कर सकते, उसको तीन होना ही है, यहां पे अगर तीन है तो। अब मल्टीप्लाई करके देखें, पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि कितने ऑर्डर का चित्र बनेगा, उतना ही बड़ा हम यहां पे मैट्रिक्स बनाएंगे, उतना डैश क्रिएट करेंगे। सो ये तीन रो तीन कॉलम है, टू इंटू थ्री ऑर्डर का बनेगा, दो रो तीन कॉलम, ऐसा छह एलिमेंट्स ढूंढना है, एक एक करके ढूंढना है। ये ढूंढना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, वन। यहां पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, टेन थर्टीन माइनस एट फाइव, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब यहां पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इस तरह से डालेंगे। इस तरह से हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ए यहां लिखे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ए आई जे कोई मैट्रिक्स है एम इंटू एन ऑर्डर का, यानी यहां आई सबस्क्रिप्ट जो लिखे हैं उसका वैल्यूज वन से लेकर एन तक वैरी करता है, जे जो लिखे हैं वन से एन तक, को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे मैट्रिक्स बी से, उसके सब्सक्रिप्ट को लिखे हैं बी जे के, जे सेम होना चाहिए, जे वैरीज फ्रॉम वन टू एन एंड के वैरीज फ्रॉम वन टू पी, एन इंटू पी ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, एम इंटू एन ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, गुना करने पर एक एम इंटू पी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनेगा। उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम लिखे हैं सी आई के, उसमें नंबर ऑफ रोज होगा एम, माने आई का वैल्यूज वन टू एम, नंबर ऑफ कॉलम्स होगा के के बराबर, जहां कि ईच एलिमेंट कैसे निकालेंगे, उस मैट्रिक्स का ईच एलिमेंट को कैसे निकालेंगे, वे सी आई के का वैल्यू कैसे निकालना है, तो इस मैट्रिक्स का आईएथ रो ए आई वन ए आई टू डॉट 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 ए आई एन, और उस मैट्रिक्स का केथ कॉलम बी वन के बी टू के डॉट 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 बी एन के, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखे हैं वर्टिकल, इन दोनों को गुना करना है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस प्लस दिस एड कर। ये लैंग्वेज है हमारा, इंपॉर्टेंट है कि आप करना सीख जाए। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है बाइनरी, उसका प्रॉपर्टीज दिखे हैं। पहला लिखे हैं कि ए इंटू बी
इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू बी इन टू ए. कभी हो सकता है इक्वल हो जाए. अगर ए 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अब बी भी 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अब दोनों तरफ से मल्टीप्लाई हो सकता है. इवन इफ ए इज रिटन इन प्री पोजिशन और बी इज रिटन इन प्री पोजिशन, दोनों केस में एक 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्रिएट होगा. अभी भी ये जरूरी नहीं है कि ये चित्र जब बने रो बाई कॉलम और ये चित्र जब बने बी का रो ए का कॉलम, जरूरी नहीं कि सेम दोनों बने, पर हो सकता है हो जाए. तो इसीलिए लिखे हैं कि ए बी विल नॉट बी इक्वल टू बी ए, का मतलब ये नहीं कि कभी नहीं इक्वल होगा. यू कैन नॉट से विद सर्टेनिटी कि दे विल बी इक्वल. ये पहला प्रॉपर्टी है, मतलब कि इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव. प्लस कॉम्यूटेटिव था, माइनस और मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है, जबकि रियल नंबर्स में कॉम्यूटेटिव है. 2×3 और 3×2 सेम है, एडिशन की तरह ही मल्टीप्लीकेशन भी कॉम्यूटेटिव था. एसोसिएटिव है, ए गुने बी गुने सी, तीन मैट्रिक्स को गुना करने बोल रहे हैं एक के बाद एक. सबसे पहले ए लिखा है, फिर बी, फिर सी. बट ब्रैकेट अगर हम यहां डालते हैं, मतलब हम चाहते हैं पहले ए और बी को गुना कर लीजिए, एक चित्र बना लीजिए, फिर उसको सी से गुना कीजिए. अच्छा, यहां हम सब मान रहे हैं कि कन्फर्म कर रहा है फॉर मल्टीप्लीकेशन. जैसे अगर ए एक मैट्रिक्स है m×n ऑर्डर का, तो बी निश्चित रूप से n×p ऑर्डर का होगा, और फिर सी p×n कुछ s ऑर्डर का होगा. आप ए और बी को गुना कर दीजिए, एक चित्र बनेगा m×p ऑर्डर का, फिर उसको इससे गुना कर सकते हैं, अब m×s ऑर्डर का एक चित्र बनेगा. तो हम अब यहां जब लिख रहे हैं ना a गुने b गुने c, तो हम प्रिज्यूम कर ले रहे हैं कि आप सब समझ रहे हैं कि दीज मैट्रिसेस डू कंफॉर्म टू दिस मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन. तो अगर हम ब्रैकेट यहां डालें, मतलब पहले ए बी को गुना करके एक चित्र बनाइए, फिर उस चित्र को सी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, वही रो बाई कॉलम. और अगर ब्रैकेट यहां डालें, तो मतलब पहले BC को गुना कर दीजिए इन दोनों को, और एक n×s ऑर्डर का एक मैट्रिक्स क्रिएट कीजिए, तब A के साथ गुना कीजिए, सेम मैट्रिक्स आता है. उसको प्रूफ किया जा सकता है ये सब बात को, इसी भाषा का उपयोग करके जो हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं. आपको खाली मालूम होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी है, हम लोग इस्तेमाल करेंगे. मतलब कि ब्रैकेट डालने का कोई जरूरत नहीं था, हम केवल एबीसी लिख देंगे आज के बाद, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे. आपकी मर्जी, जिस तरह से भी चाहे कर सकते हैं, पहले इन दोनों को करके तब उससे कीजिए, चाहे इन दोनों को. सो इट इज एसोसिएटिव. पोजिशन नहीं बदल सकते हैं, प्री पोस्ट पोजिशन को नहीं बदल सकते हैं, ये बात हम लोग सबसे पहले ही बोल दिया. ये नहीं आप कर सकते हैं कि लिखा है ए गुने बी, हम पहले बी को लिख दिए और बाद में ए को लिख करके गुना करना शुरू कर दिए, गलती हो जाए. ऐसा ना हो कि ये 3×3 ऑर्डर का है, ये भी 3×3 ऑर्डर का है, माने दोनों स्क्वायर है, तब तो दोनों तरफ से हो सकता था मल्टीप्लीकेशन. लेकिन लिखा है ए बी, आप कर दिए बी, एंड यू माइट गेट अ वेरी डिफरेंट मैट्रिक्स, सो दैट यू कैन नॉट डू. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, दो मैट्रिक्स बी और सी को ऐड करने बोल रहे हैं, मतलब दोनों का सेम ऑर्डर होगा, और फिर उसको गुना करने बोल रहे हैं मैट्रिक्स ए से. हाँ, मतलब यहां वो सब कंडीशन है, ए अगर m×n ऑर्डर का होगा, बी n×p ऑर्डर का होगा, सी भी n×p ऑर्डर का होगा, तभी ना आप बी और सी को ऐड कर पाएंगे, तब एक मैट्रिक्स बनेगा n×p ऑर्डर का, तभी ना आप उसको ए से गुना कर पाएंगे. सो मल्टीप्लाइंग मैट्रिक्स ए बाय बी प्लस सी इज सेम एज ए गुने बी प्लस ए गुने सी. मैंने हम कहीं पर लिखा है इस तरह से लिखेंगे a गुने 2b प्लस 3c, कहीं पर लिखा होगा, हम हो सकता है इसको सिंपलीफाई करके लिखें 2 टाइम्स ए बी प्लस 3 टाइम्स ए सी. हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं, ये सब पहले से डिसाइड कर लेते हैं, अपनी मर्जी से कुछ कुछ नहीं करते चले जाते. जो जो स्केलर एल्जेब्रा में आप मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफाइन किए हैं, उसको आंख बंद करके नहीं इस्तेमाल करने लग जाते हैं. ए प्लस बी का होल स्क्वायर को आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं लिख दीजिएगा, इट इज रॉन्ग मैट्रिसेस के केस में. तो हम लोग स्केलर अलजेब्रा में प्रूफ किए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब तो यही है,
इसको इससे गुना किए, इसको उससे गुना किए, करते हैं ए स्क्वायर ए बी बी ए और बी स्क्वायर, चार गो नंबर आएगा। चूंकि ए बी और बी ए का वैल्यू सेम है इसीलिए हम इसको इकट्ठा करके ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख पाते, कॉम्यूटेटिव नहीं होता अगर प्रोडक्ट ऑपरेशन तो नहीं लिख पाते, जैसे हम यहां पे नहीं लिख सकते हैं इसको इतना, क्यों सोचिए गुना कीजिए। दिस मीन्स अभी भी हम लोग यही डिसाइड कर रहे हैं कि अगर हम मैट्रिक्स ए टू द पावर 30 लिख देंगे तो उसका मतलब रहेगा ए गुने ए गुने ए गुने 30 बार। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी गुने ए प्लस बी। हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ए गुने ए प्लस ए गुने बी प्लस बी गुने ए, ये तभी कर सकते हैं जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता होगा। यानी एक मैट्रिक्स ए गुने बी प्लस सी मैट्रिक्स बराबर ए बी प्लस ए सी लिख सकना अलाउड होगा तब ना लिखिएगा। तो वही बता रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। तो लिख दिए प्लस बी स्क्वायर। अब क्या इन दोनों को हम ऐड करके 2ab लिख दें? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ab और ba नेसेसरीली सेम नहीं होता है। द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। हाँ, अगर किसी सवाल में कह दे कि ab इज इक्वल टू ba, हाँ कभी कभी हम कहेंगे किसी सवाल में कि a गुने b करने पर और b गुने a करने पर सेम मैट्रिक्स आ रहा है, तब आप ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इतना बराबर, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर लिख सकते हैं क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, अगर ऐसा बात बोल दे तो, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं इसको। ए प्लस बी गुने ए प्लस बी गुने ए प्लस बी, आठ टर्म आएगा, आठों लिखना होगा। तो ये सारा ऑपरेटर्स जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इतने हाइये है। एक मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और एक मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दैट्स ऑल। तो उनका प्रॉपर्टीज जानना बहुत जरूरी है। कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर है तो हम इसको कहते हैं डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। स्क्वायर है तभी बोलते हैं, स्क्वायर नहीं है तो देर कैन नॉट बी अ डायगोनल। स्क्वायर है देर कैन बी अ डायगोनल, खास खास एलिमेंट्स को कट करता हुआ। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सब जीरो है तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। माने खाली डायगोनल ही है बाकी सब जीरो है, माने डायगोनल खुद भी जीरो जीरो हो सकता है। डायगोनल के अलावा सब एलिमेंट्स अगर जीरो हो तो वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, माने इनके अलावा ध्यान दीजिए सब जीरो तो डायगोनल हो गए। ऐसे ही एक नाम, जैसे कैसे नाम देख दिए स्क्वायर मैट्रिक्स, आप समझिए ना स्क्वायर मतलब रोज एंड कॉलम्स का संख्या बताएगा। अगर कोई मैट्रिक्स का सारा डायगोनल 1 1 1 हो बाकी सब जीरो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है ये मैट्रिक्स और आइडेंटिटी, क्या महत्व है इसका बताते हैं। यहां हम थर्ड ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स लिख रहे हैं, I3 बोल सकते हैं इसको। अब I4 बोलेंगे तो समझ जाइएगा फोर्थ ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, यानी उसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 होगा बाकी सब जीरो जीरो जीरो। nth ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, n रोज n कॉलम्स डायगोनली 1 1 1 बाकी सब शून्य। क्या इंपॉर्टेंस है इस मैट्रिक्स का? रियल नंबर लाइन पे एक नंबर था बड़ा महत्वपूर्ण, उसको 1 बोले थे हम। उसका प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन किए कि कभी किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करके पूछें कितना होगा तो आप उसका आंसर वही नंबर बोलेंगे। दैट इज हाउ वी हैव डिफाइंड दिस नंबर। इसीलिए इस नंबर का नाम रखे थे हम लोग आइडेंटिटी नंबर फॉर मल्टीप्लीकेशन। मतलब किसी भी नंबर को अगर आप इस नंबर से गुना करेंगे
तो उस नंबर का पहचान नहीं बदलेगा, जो था वही रह जाएगा। और जीरो को हम लोग कहे थे आइडेंटिटी नंबर फॉर एडिशन, किसी भी नंबर को जीरो से ऐड कर देंगे तो उस नंबर का पहचान नहीं बदलेगा। ये डिफाइन करते हैं हम लोग इन नंबर्स को, तभी वो उनका प्रॉपर्टी है। हम हो सकता था टू को डिफाइन किए होते एज आइडेंटिटी नंबर फॉर मल्टीप्लीकेशन, तो आज हम लोग 3 × 2 = 3 लिख रहे होते, 5 × 2 = 5 लिख रहे होते, 7 × 2 = 7 लिख रहे होते। हम लोग 1 को चूज किए हैं ऑन द नंबर लाइन एज द आइडेंटिटी नंबर फॉर मल्टीप्लीकेशन, 0 को चूज किए हैं एज द आइडेंटिटी नंबर फॉर एडिशन। उसी तरह से मैट्रिसेस में ये मैट्रिक्स बड़ा महत्वपूर्ण मैट्रिक्स है, द आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। किसी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना कर दीजिए, प्री या पोस्ट, मैट्रिक्स बदलता ही नहीं है। हाँ, वो मल्टीप्लीकेशन के लिए जो कंडीशन चाहिए वो रहना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स है 3 × 2 ऑर्डर का, 3 रो 2 कॉलम, ऐसा 5 4 3 2 7, अगर इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, पोस्ट में रखना चाहते हैं आई को, यानी ए गुने आई करना चाहते हैं, तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखना होगा 2 × 2 ऑर्डर का, 2 रो 2 कॉलम। मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा। अब दिस गुने दिस करेंगे तो 3 × 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आएगा, 3 रो 2 कॉलम, 6 एलिमेंट्स भरते हैं। ये स्थान भरने के लिए फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 5 × 1 = 5 आया। ये स्थान भरने के लिए स्थान, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 5 × 0 + 4 × 1। ये स्थान भरने के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 × 3। इसको भरने के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इस तरह से हम दिखाए कि ए को अगर उसका जो भी कन्फर्म करे आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, उसे मल्टीप्लाई करने पर द मैट्रिक्स रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर हम पहले मल्टीप्लाई करना चाहते प्री में कोई आई से, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर का होना होगा। 3 × 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप 3 × 2 से, तब 3 × 2 मैट्रिक्स मिलेगा आपको। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बड़ा महत्व है। वो यहां लिखे हैं कि ए गुने आई, दिस इज ट्रू फॉर एनी मैट्रिक्स ए, करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके साथ मल्टीप्लीकेशन कन्फर्म करे, मल्टीप्लाई कीजिए प्री में या पोस्ट में, यू गेट द सेम मैट्रिक्स, वेयर आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स, ऑल्सो नोन एज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बड़ा अच्छा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे रियल नंबर लाइन में 1 का महत्व था, मैट्रिक्स की दुनिया में वही महत्व है आई का। यहां एक अंतिम बात और लिखे हैं, a^m का मतलब है a × a × m times, ए क्यूब मतलब a × a × 3 बार, (into a^n) का वैल्यू सेम होगा एज a^(m+n). a³ × a² विल बी सेम एज a^5, क्योंकि इसका मतलब है a × a × a, इसका मतलब a × a × a 5 बार, वही लिखे हैं बाद में। लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप अगर हम a^5/2 लिख दें तो ये मीनिंगलेस है। रियल नंबर के केस में ये मीनिंगफुल है, 8^5/2 लिखें, इट इज मीनिंगफुल। इसका मतलब है 8√5 या 8^5 का स्क्वायर रूट, एक अनदर रियल नंबर, बट दिस हैज गॉट नो मीनिंग। a^-5 हैज गॉट नो मीनिंग, यानी 1/8^5। मीनिंग तभी होता है जब हम उसको असाइन करते हैं मीनिंग। एक चीज हम लोग डिफाइन करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बाइनरी ऑपरेटर 3 ही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन, रादर 2 ही है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ये बाइनरी ऑपरेटर नहीं है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विथ अ स्केलर इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर तब बोलते हैं जब 2 के बीच में डाला जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, ये सब बाइनरी ऑपरेटर्स।
तो हम लोग तीन बाइनरी ऑपरेटर डिफाइन किए हैं मैट्रिसेस में. एक अलग ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, और एक नया चीज यहां डिफाइन कर रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. कोई मैट्रिक्स का रोज कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दें, जैसे एक मैट्रिक्स है 2, 3, 4, 5, -1, 6, अगर हम इसका रोज और कॉलम्स को बदल दें ऐसे, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दें, अब ये जो मैट्रिक्स बना ये दोनों मैट्रिक्स कहलाता है एक दूसरे का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इंटरचेंजिंग द रोज एंड द कॉलम्स. डिटरमिनेंट में भी हम लोग करते थे, डिटरमिनेंट में हम लोग रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करते, थर्ड ऑर्डर का थर्ड ही ऑर्डर रह जाता. ऐसा करने से डिटरमिनेंट बदलता नहीं है, शक्ल बदल जाता है. मैट्रिक्स में तो बिल्कुल ही बदल गया, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम नहीं है, लेकिन डिटरमिनेंट नहीं बदलता है, क्योंकि डिटरमिनेंट में हमको शक्ल से मतलब कहाँ है. डिटरमिनेंट में तो इसको एक्सपेंड करने पर जो वैल्यू आएगा उससे मतलब है. तो इफ यू इंटरचेंज द रोज विद द कॉलम्स, मैट्रिक्स चेंजेस, यू गेट अ न्यू मैट्रिक्स, बट डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज. ये दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं, और जनरली ऐसा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोज के लिए, ए प्राइम, या कई किताबों में ए टी लिखा होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स. कौन किसका ट्रांसपोज है? दोनों एक दूसरे का, यानी ए प्राइम का प्राइम पूछे तो ई है. ट्रांसपोज का डेफिनेशन है इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स. ए मैट्रिक्स का एलिमेंट्स को अगर हम ए आई जे नाम से पुकार रहे हैं तो ए ट्रांसपोज उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ए जे आई सिंबल से पुकारेंगे. ये 3/2 ऑर्डर का अगर होगा तो उसका ट्रांसपोज 2/3 ऑर्डर का होगा. प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स. ये सब लैंग्वेज हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे. दूसरा, के गुने ए का ट्रांसपोज, यानी किसी ई मैट्रिक्स है, हम चाहते हैं कि इस मैट्रिक्स को आप 2 से गुना कर दीजिए और तब उसका ट्रांसपोज लीजिए. इट इज सेम एज कि आप पहले ट्रांसपोज ले लीजिए और तब 2 से गुना कीजिए. ए लिखे, आपने से चेक कर लीजिए, पहले 2 से गुना कर लीजिए, 4, 6, 8, 10, -2. अब ट्रांसपोज ले लीजिए, 4, 6, 8 को ऐसे लिख दीजिए, 10, -2, 6 को ऐसे लिख लीजिए. यह है 2a का ट्रांसपोज, पहले 2 से गुना किया ट्रांसपोज, और एक बार ट्रांसपोज ले लीजिए, 2, 3, 4, 5, -1, 6, अब 2 से गुना कीजिए, 4, 6, 8. इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. प्रूफ आपसे नहीं को पूछने जा रहा है, आप ये कंफर्टेबल होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा हम लिखेंगे कहीं पर 2a का ट्रांसपोज करके लिखे होंगे, तो आप इसको 2 बाहर ले सकते हैं और इनटू ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं. तीसरा प्रॉपर्टी, 2 मैट्रिक्स को ऐड कर दें, ऑफ कोर्स दोनों सेम ऑर्डर का है, आप उसका ट्रांसपोज लीजिए, ऐड कर दीजिए करस्पॉन्डिंग, अब ट्रांसपोज, या पहले दोनों का ट्रांसपोज ले लीजिए और तब ऐड कीजिए, यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स है 1, 5, 6, 9, -2, 4 बी, आप दोनों को ऐड करके अब तब ट्रांसपोज लीजिए, यही करना है. तो पहले ऐड कर लीजिए, 3, 8, 10, 14, -3, 10, अब ट्रांसपोज ले लीजिए, 3, 8, 10, 14, -3, 10, और अगर पहले ट्रांसपोज ले लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, 2, 3, 4, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज प्लस, अब बी का ट्रांसपोज ले लीजिए, 1, 5, 6 और 9, -2, 4, अब ऐड कर दीजिए इतना प्लस, अभी भी वही ऐड कर रहे हैं आप, 2+1 ही ऐड कर रहे हैं. ये माइनस के लिए भी होल्ड करता है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इसे में ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, प्लस माइनस बी लिख देते हैं. ए गुने बी का ट्रांसपोज लीजिए, यानी 2 मैट्रिक्स को पहले कह रहा है गुना कर दीजिए, एक चित्र बनेगा, उसका ट्रांसपोज लीजिए, m इंटू एन ऑर्डर का,
एन इंटू पी ऑर्डर का, गुना किए तो बना एम इंटू पी ऑर्डर का, इसका ट्रांसपोज दीजिएगा तो पी इंटू एम ऑर्डर का बन जाएगा एक चित्र। कह रहा है कि अगर आप पहले ऐड करके तब ट्रांसपोज लीजिए या ट्रांसपोज लेके ऐड कीजिए, सेम मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन में भी देखना चाहते हैं कि दो मैट्रिक्स को पहले गुना करके तब उसका ट्रांसपोज लें कि पहले दोनों का ट्रांसपोज लेके तब गुना करें। नो, यू डू नॉट गेट द सेम रिजल्ट। यहां देखिए उलट जाता है, उलटना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले ट्रांसपोज ले लिए, ये ए है, ये बी है, ये ए बी है, ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो पी इंटू एम ऑर्डर का होगा। अगर पहले ए ट्रांसपोज ले लेते तो वो एन इंटू एम ऑर्डर का हो जाता, और बी ट्रांसपोज ले लेते तो पी इंटू एन ऑर्डर का होता, मल्टीप्लाई नहीं हो पाता। ए ब्राइम गुने बी ब्राइम, ये सेम होना जरूरी है, तब बी ब्राइम गुने ए ब्राइम संभव हो पाता, क्योंकि तब p इंटू एन को मल्टीप्लाई कर पाते n इंटू एम, और सीधे p इंटू एम ऑर्डर का मिल जाता है। हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ये प्रूफ है भी नहीं जो बोले आपको। यहां लिखा है कि दो मैट्रिक्स को गुना करके ट्रांसपोज लेना इज सेम एज, पोजिशन चेंज कर दीजिए, पहले दोनों का ट्रांसपोज लेके गुना कीजिए, लेकिन चेंज देयर पोजिशन, यू गेट दिस सेम मैट्रिक्स। आई हैव नॉट प्रूव्ड, क्योंकि इक्वल प्रूफ करने के लिए बड़ी मेहनत लगता है। हमको प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स इज सेम एज राइट हैंड साइड मैट्रिक्स, एक एक एलिमेंट को प्रूव करना होगा, ए गुने बी करके उसका ट्रांसपोज लेके, और फिर अलग से ओ बना करके एक एक एलिमेंट को दिखाना पड़ता है कि सेम है कि नहीं। सो आई एम नॉट डूइंग दैट। इसके बाद एक लिखे हैं बात, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन, If A prime is equal to A, तो हम कहते हैं कि A is a symmetric matrix. A अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है M into N order का, इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो वो भी N into N order का मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर दोनों मैट्रिक्स सेम हुआ, माने एक एक एलिमेंट सेम हुआ, हो सकता है ना, मैं एग्जाम्पल देते हैं 1 2 3 4 5 6 4 5 6, ये डायगोनल एलिमेंट्स के इस पार और उस पार का जो एलिमेंट्स हम लिखे हैं वो मिरर इमेज जैसा ले लिए हैं। अब इस मैट्रिक्स का क्या ट्रांसपोज बना के देखिए, सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। आप जब ट्रांसपोज लेते हैं ना, तो एक्चुअली ये वाला रो यहां चलाएगा, ये रो यहां चलाएगा, ये रो यहां चलाएगा। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम, द डायगोनल्स रिमेन एज इट इज। जैसे कि इसके अबाउट रोटेट कर गया हो वैसा बनता है ट्रांसपोज। स्क्वायर के केस में ये सब बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल के केस में तो डायगोनल होता ही नहीं है, तो उसमें हम ये बात नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक मैट्रिक्स दे दें 2 3 4 5 6 7, कहें कि इसका ट्रांसपोज बनाइए, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि डायगोनल, देयर इज नो डायगोनल, डायगोनल किसको लेंगे, बीच में एक एलिमेंट कहां है, मिसिंग है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसके अबाउट रोटेट कर देंगे, ऐसा नहीं बोल सकेंगे। यहां लिखना होगा 2 3 4 5 6 7 ट्रांसपोज बनाने के लिए। लेकिन अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका कहते हैं कि ट्रांसपोज लीजिए, तो इट इज लाइक रिवॉल्विंग द मैट्रिक्स अबाउट इट्स डायगोनल। यानी यहां पे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा होता और कहते कि इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाइए, तो आप ई डायगोनल सब वहीं रह जाता और ये 4 5 6 इधर आ जाता और 7 8 9 उधर चला जाता, ऐसे रोटेट कर वो सब इधर, ये सब उधर। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये पोजीशंस वही रह गए। तो यहां हम लोग एक स्पेशल बात लिख रहे हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है, ऑफ कोर्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही बात कर सकते हैं, कि ट्रांसपोज लेने पर भी मैट्रिक्स वही रह गया अनचेंज्ड,
ये और किसी मैट्रिक्स के बारे में नहीं बोल सकते हैं। अगर ये 2×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज लेने पे 3×2 हो जाएगा। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कभी हो ही नहीं सकता है, चेक भी नहीं करना है, लेकिन अगर स्क्वायर है तो शायद ऐसा हो जाए कि ट्रांसपोज लेने पर जो मैट्रिक्स बने वो सेम मैट्रिक्स बन जाए। अगर ऐसा हो गया तो हम मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब वो डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। अब इसका आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाइएगा तो यू गेट द सेम। फंक्शंस हम लोग जब पढ़ते थे कैलकुलस में तो हम लोग फंक्शंस को डिफाइन करते थे एज इवन फंक्शंस, ऑड फंक्शंस, और उसको हम लोग चेक करने का तरीका भी था, और इसका एक ज्योमेट्रिकल मतलब भी हुआ करता था कि अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है तो उसका मतलब होता था कि वाई एक्सिस के अबाउट उसका जो ग्राफ होगा वो मिरर इमेज जैसा होता था अबाउट द वाई एक्सिस। उसी तरह का हम लोग मैट्रिक्स में वर्ड डिफाइन कर रहे हैं। अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स हो जाए, यानी ट्रांसपोज लेने पर भी मैट्रिक्स अनचेंज्ड, जो कि तभी होगा जब वो डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कभी भी हम भविष्य में बोलें कि आपको कि ए एक मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का और सिमेट्रिक है, माने आपको समझना है कि हम डायगोनली कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं एबीसी और एफ जी एच, तो इधर वाला भी एफ जी एच होगा। इफ यू रिमेंबर, ऐसा मैट्रिक्स कहां हम लोग को आता था? एक जनरल सेकेंड डिग्री क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो अंडर व्हाट कंडीशंस ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, यही तो था कंडीशन। जब इसका जो कोएफिशिएंट्स है उसको हम लोग एंज करते थे डिटरमिनेंट के रूप में, डायगोनली ए बी सी को लिखते थे और एफ जी एच ऐसे लिखते थे और उसका मिरर इमेज यहां लिखते थे, यानी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में अरेंज करते थे हम लोग उसके कोएफिशिएंट्स को। और इसका डिटरमिनेंट अगर जीरो आ गया तो हम लोग समझ जाते थे कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये फैक्टराइज हो जाएगा एज प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशन a1x plus b1y plus c1 into a2x plus b2y plus c2 बराबर जीरो के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एक वर्ड हम लोग बना रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब बोलेंगे किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक? जब ट्रांसपोज लेने पर मैट्रिक्स अनचेंज्ड रहे, एकदम सरल शब्द। और अगर ट्रांसपोज लेने पर और एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर अब ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाए, माने ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स द ओरिजिनल मैट्रिक्स, तब हम ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे फंक्शंस में ऑड फंक्शन था, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाए, तो हम लोग दो नाम बनाए थे इवन एंड ऑड फंक्शंस, या भी दो नाम बनाए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एवरी मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोग सिमेट्रिक माने समझ गए, ट्रांसपोज लेने पे अनचेंज, शक्ल देखने में देख के समझ जाएंगे कि सिमेट्रिक। फंक्शन को किससे समझते थे कि इवन है कि ऑड है, एक्स की जगह माइनस एक्स डालते थे और फंक्शन अगर अनचेंज रह गया तो इवन है, और अगर फंक्शन में एक माइनस साइन का अंतर हो गया तो ऑड। स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए क्या चीज जरूरी है जरा देखिए, अगर आप इसका ट्रांसपोज लिए तो ये एलिमेंट्स वहीं रह जाता है, इधर वाला उधर उधर लाइट चला जाता है, और फिर अंत में उसको आपको सबको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो तभी होगा जब देखिए इधर 4 है यहां माइनस 5 इधर 6 है, तो यहां माइनस 4 5 और माइनस 6 होना चाहिए, मिरर इमेज तो होना ही चाहिए और अपोजिट साइंस होना चाहिए। क्यों देखिए, आप ट्रांसपोज लीजिए तो 1 माइनस 4 5 यहां रखा जाएगा, 4 2 6 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड माइनस 5 6 3 यहां, ये तो वही रह जाएगा। और अब इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कीजिए, सबको मल्टीप्लाई करना होता है माइनस साइन से, तो माइनस ऑफ ए प्राइम इक्वल टू होगा माइनस 1 माइनस 4 5 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 3 4 माइनस 5 6। तो अब
ये सब एलिमेंट्स तो जैसा था वैसा ही रह गया, ये भी जैसा था वैसा हो गया, माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद हुआ, लेकिन ये सब तो बदल गया। हम कहे हैं कि ट्रांसपोज लेकर के माइनस साइन से मल्टीप्लाई कीजिए तो ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। अगर ऐसा हो तो हम मैट्रिक्स ए को कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैच नहीं किया ये ओरिजिनल मैट्रिक्स, किस स्थिति में मैच कर सकता था वो स्थिति हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। अगर ये डायगोनल एलिमेंट 0-0 होता तो हाँ तब हो जाता, तब आप ट्रांसपोज लेते, उधर वाला सब इधर वाला सब उधर चला गया, और अब आप माइनस साइन से सबको मल्टीप्लाई करते तो ये सब फिर वापस अपना ओरिजिनल स्थान पे जो जो था वही मिल जाएगा, और ये 0 का 0 जस के तस रह जाएगा। यानी स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए मैट्रिक्स का शक्ल कैसा दिखना चाहिए, डेफिनेशन यही है कि ट्रांसपोज लीजिए माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। अगर आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक बोले। लेकिन हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा किस स्थिति में हो सकता है। सिर्फ तभी हो सकता है जब डायगोनल एलिमेंट्स सारा 0-0-0 होना चाहिए, क्योंकि इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो 0 ही रह जाएगा। और डायगोनल के अपर हाफ और लोअर हाफ में जो एलिमेंट्स है वो मिरर इमेज होना चाहिए एक दूसरे का, लेकिन एक माइनस साइन का अंतर होना चाहिए। अगर उधर 4 है तो इधर माइनस 4, वहां 5 है इधर माइनस 5, इधर माइनस 6 है इधर 6 होना चाहिए। हम लोग यूज टू हो जाए जैसे ही मैट्रिक्स देखेंगे तो हम कह देंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक होने के लिए मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी हो, अपर हाफ ऑफ द डायगोनल एंड द लोअर हाफ ऑफ द डायगोनल मिरर इमेज होना चाहिए, यही सीखें। यहां एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज हम लोग सीखे थे फंक्शन पढ़ते वक्त, कोई भी फंक्शन दे दीजिए f(x) कोई भी, ये इवन हो ऑड हो या दोनों में से कुछ भी ना, हर फंक्शन इवन या ऑड कैटेगरी में तो नहीं होता है ना। हम कोई फंक्शन यहां लिख दिए साइन क्यूब ऑफ x प्लस 5x² + 2 / x - 3, अभी फंक्शन ना इवन है ना ऑड है, मैंने आप x के जगह -x डालिए अपने आप सब मालूम हो जाता है। अगर ये इक्वल टू fx आ जाता है तो इवन बोलते हैं, इक्वल टू माइनस ऑफ fx में सिंप्लीफाई कर जाता तो ऑड बोलते हैं, और नहीं तो माइनस। बट चाहे कैसा भी फंक्शन हो, एवरी सिंगल फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज सम ऑफ टू फंक्शंस gx + hx, इसी को लिखेंगे समथिंग प्लस समथिंग, जिसमें निश्चित रूप से एक इवन होगा e(x) एंड एक ऑड होगा पक्का। कैसे बताते हैं, कोई भी फंक्शन ले लीजिए fx, उसमें ऐड कर दीजिए f(-x) और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये निश्चित रूप से इवन फंक्शन है। चाहे कोई भी फंक्शन हो fx, उसमें ऐड कर दीजिए f(-x) एक फंक्शन, जैसे यही फंक्शन है f(-x) फंक्शन क्रिएट कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो फंक्शन बनेगा ये इवन है। कैन वी प्रूव कि ये इवन फंक्शन है? हाँ, व्हाई नॉट। e(-x) निकल, इस फंक्शन का नाम हम रख दिए हैं e(x), e(-x) x की जगह -x डालिए, देखिए वही रह जाएगा, यहाँ f(-x) हो जाएगा, वहाँ f(x) हो जाएगा √2। यानी ऐसा कोई फंक्शन अगर लिखा हो वो निश्चित रूप से इवन है, और अगर दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दें हम f(x) और f(-x) को, और 2 से डिवाइड कर दें, अब ये फंक्शन जो भी है वो निश्चित रूप से एक ऑड फंक्शन है। कैन वी प्रूव दिस? यस, व्हाई नॉट। x की जगह -x डालिए, f(-x) यहां आ जाएगा और वहां f(x) हो जाएगा। अब देखिए माइनस साइन का अंतर है इन दोनों में, ये माइनस कॉमन लीजिएगा तो वो इक्वल टू दिस फंक्शन होगा। और अब कोई भी फंक्शन f(x) दीजिए, हम उसको इस तरह से तो लिख सकते हैं ना, f(x) + f(-x) √2 + f(x) - f(-x) √2, एनी फंक्शन कैन बी रिटन। देखिए ऐड करके f(x) आना चाहिए, और ये निश्चित रूप से हम जानते हैं कि इवन है और निश्चित रूप से जानते हैं कि ऑड है। तो अगर हमको कहेगा कोई कि इस फंक्शन को एक्सप्रेस कर दीजिए एज सम ऑफ एन इवन एंड एन ऑड फंक्शन, तो हम पहले एक f(-x) फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, x की जगह -x लिखते हैं तो -sin³x + 5x² + 2 / -x - 3। अब एक फंक्शन बनाते हैं इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके,
फंक्शन बना रहे हैं जो कि निश्चित रूप से इवन फंक्शन होगा। ऐड कर दिए 5x स्क्वायर प्लस 2 बटे x माइनस 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2 बटे x प्लस 3 और 2 से डिवाइड कर दिए। एक फंक्शन और बनाते हैं, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दिस माइनस दिस कर देते हैं, 2 साइन क्यूब एक्स प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 बटे x माइनस 3 माइनस दिस, तो प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 बटे x प्लस 3, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे प्लस 3, यहां x माइनस 3, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। अब मेरा जो ओरिजिनल फंक्शन था ये fx, उसको हम लिख सकेंगे एज दिस प्लस दिस, दो हिस्सों में हम स्प्लिट कर सकते हैं इसी फंक्शन को, जिसमें एक हिस्सा निश्चित रूप से इवन है और एक हिस्सा निश्चित रूप से ऑड है। ऐसा यहां भी हम लोग देख सकते हैं। एक मैट्रिक्स हम लिखे हैं ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, एक कोई भी एक मैट्रिक्स है स्क्वायर, हम उसका ट्रांसपोज लेकर के उस मैट्रिक्स दोनों को ऐड कर दें और उसको हम लोग दो से डिवाइड कर दें, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, स्केलर है ये मैट्रिक्स का, कुछ एक नाम रख देते हैं बी, और एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय हाफ। समझिए ए कोई एक मैट्रिक्स है स्क्वायर 4, 3, 5, -1, 2, 6, 4, 0, 9 कोई मैट्रिक्स, हम इसका ट्रांसपोज ले लें 4, -1, 4, 3, 2, 0 एंड 5, 6, 4 इसको यहां लिख दिए, इसको यहां, इसको हम कह रहे हैं कि दोनों को ऐड कर दीजिए, कर देते हैं 4+4, 8, 3-1, 2 वगैरह, उसको अब हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब सबको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक नया मैट्रिक्स बना, उसका नाम रख रहे हैं बी। एक बार ए माइनस ए ट्रांसपोज करके उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक नया मैट्रिक्स उसका नाम सी। हम दिखाना चाहते हैं कि ये मैट्रिक्स निश्चित रूप से सिमेट्रिक बनेगा, मतलब टेक एनी मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक नहीं है, नहीं इसको सिमेट्रिक, लेकिन अगर आप इसका ट्रांसपोज बनाते हैं, दोनों को ऐड करके हाफ से मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे किसी फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स फंक्शन क्रिएट करके ऐड करते हैं और हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो फंक्शन बनेगा ये पक्का इवन होगा। प्रूव कर सकते हैं हम लोग कि ये पक्का सिमेट्रिक होगा और ये पक्का उसके सिमेट्रिक होगा। कैसे प्रूव करने का तरीका मालूम होना चाहिए। प्रूव करने के लिए कि ये सिमेट्रिक है, हमको क्या प्रूव करना होगा, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, यही प्रूव करना, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक। यानी ए प्लस ए प्राइम इंटू हाफ का होल प्राइम, ये इक्वल टू आना चाहिए हाफ टाइम्स ए प्लस ए प्राइम, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू बी मैट्रिक्स, तो कहते हैं प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना होगा। अब हाफ टाइम्स इतना का ट्रांसपोज कैन बी रिटन एज हाफ टाइम्स ए प्लस ए प्राइम का ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है। किसी मैट्रिक्स को स्केलर से गुना करके ट्रांसपोज लीजिए, ये स्केलर क्वांटिटी बाहर आ जाता है ब्रैकेट से, ले इक्वल टू हाफ टाइम्स ए ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्यों, फिर प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना हो तो इट इज सेम एज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज ए, फिर प्रॉपर्टी है, ए ट्रांसपोज प्लस ए कैन बी रिटन एज ए प्लस ए ट्रांसपोज वाई, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लॉ को ओबे करता है, एंड हेंस प्रूव्ड इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले तो वही मैट्रिक्स आ गया। दिस इज द प्रूफ, वी हैव सक्सेसफुली प्रूव कि कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए स्क्वायर का बात कर रहे हैं लोग, ये सब सिमेट्रिसिटी एंड स्क्यू सिमेट्रिसिटी, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बात है। ट्रांसपोज किसी का निकाल सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज, लेकिन सिमेट्रिक है कि नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, ये सब शब्द सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बात करते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स स्क्वायर माइनस उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स
निकाल के उसको हाफ से मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बनाइए तो निश्चित रूप से सिमेट्रिक। हाउ टू प्रूव सेम, हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज से शुरू करें, विच इज हाफ टाइम्स इतना ट्रांसपोज, विच इज हाफ टाइम्स ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, सब प्रॉपर्टी है, यहां प्लस के लिए भी ट्रू है और माइनस के लिए भी। हाफ टाइम्स ए ट्रांसपोज माइनस ए विच इज माइनस हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये सब तभी लिख रहे हैं जब हम लोग सब बात समझे हैं। हम आपको बताए हैं कि ए माइनस वी और बी माइनस ए आर नॉट सेम, एक माइनस साइन का अंतर होता है, तभी लिख रहे हैं। हेंस प्रूफ, आप इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने चले तो वही मैट्रिक्स आ गया विथ माइनस साइन, यानी ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसका ब्यूटी ये हो गया कि कोई भी मैट्रिक्स दे दीजिए स्क्वायर, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन हम इसको चाहे तो एक्सप्रेस कर सकते हैं एज सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाफ टाइम्स इतना प्लस हाफ टाइम्स इतना। देखिए ये है, एनी सिंगल मैट्रिक्स, हम आपसे पूछ सकते हैं बात, हम एक मैट्रिक्स दे करके स्क्वायर एक सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स लेते हैं 2 1 3 7, हम चाहते हैं कि आप इसको एक्सप्रेस कीजिए एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक प्लस अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक नहीं है खुद, अगर यहां 1 लिख देते अभी सिमेट्रिक हो जाता, डायगोनल के अबाउट सिमिलर होना चाहिए अपर हाफ एंड द लोअर हाफ। आप इसका जब ट्रांसपोज लेते 2 1 यहां लिख देते, 1 7 को ऐसे लिखते, तो अभी न ये सिमेट्रिक है न स्क्यू सिमेट्रिक है। हम कैसे करेंगे, हम पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे 2 3 1 7, अब ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 4 4 4 14, और ए माइनस ए ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं 0 माइनस 2 2 0। अब इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 2 2 7, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 माइनस 1 1 0। अब आप इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं एज दिस प्लस दिस 2 2 2 7 प्लस 0 माइनस 1 1 0, चेक करके देख लें, 2 प्लस 0 2 है, 2 माइनस 1 1 है, 7 प्लस 0 7 है, 2 प्लस 1 3 है, और निश्चित रूप से ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। आप देख लीजिए सिमेट्रिक है, अब देख लीजिए स्क्यू सिमेट्रिक है, डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए और अपर हाफ का एलिमेंट और लोअर हाफ के एलिमेंट में सिर्फ माइनस साइन का अंतर होना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर है तो हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स करके एक शब्द डिफाइन कर रहे हैं, डेट वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर होना जरूरी है 2 3 4 5, तो हम ऐसे लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे डेट ऑफ ए, जिसका मतलब समझना है कि हम इसका डिटरमिनेंट अगर बना लें तो हम उसका एक वैल्यू जो निकालेंगे उसी को बोलते हैं इस मैट्रिक्स का डेट वैल्यू। अभी हर मैट्रिक्स के लिए नहीं बात कर सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आगे जितना बात भी हम करने जा रहे हैं मैट्रिक्स से संबंधित और उनका इस्तेमाल, वो सब में हमेशा आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही दिखेगा। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है तो हम उसका बोलेंगे डेट वैल्यू निकालिए, उसको ऐसे लिखेंगे, और उसका मतलब कि उसका डिटरमिनेंट कंसीडर कीजिए और उसका वैल्यू बता दीजिए।
कुछ डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज है जो हम लोग यहाँ पे एन्यूमरेट किए हैं, उन प्रॉपर्टीज को जरा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला बात एक ठो लिखे हैं कि अगर डेट वैल्यू किसी मैट्रिक्स का जीरो आता है तो हम वैसे मैट्रिक्स को एक नाम से पुकारेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर उसका डेट वैल्यू जीरो नहीं आता है तो उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कभी हम किसी सवाल में बोलेंगे कि एक मैट्रिक्स ए है सिंगुलर है, तो आप समझ जाइएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, उसका डेट वैल्यू जीरो है। डेट ऑफ आई बराबर वन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी ऑर्डर का हो, डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टी है, ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है कि कोई डिटरमिनेंट का सारा एलिमेंट्स अदर देन द डायगोनल अगर जीरो हो तो इसको एक्सपेंड करने पर वैल्यू आता है ए बी सी, ए गुने बी गुने सी। आप एक्सपेंड करके देख लीजिए, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करते हैं, ए गुने बी सी माइनस जीरो, जीरो गुने जीरो गुने। ये बात किसी ऑर्डर के लिए ट्रू है, एक फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट है जिसका डायगोनल के अलावा सब एलिमेंट्स जीरो हो, एक्सपेंड करके अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिएगा तो आंसर आएगा ए गुने बी गुने सी गुने डी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग याद कर लें अगर तो तुरंत समझ जाए इस बात को। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि 1 1 1 0 0 0 0 0 0, हम थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखे हैं, इसका डेट वैल्यू पूछे इस मैट्रिक्स का तो आंसर इज 1 × 1 × 1। तो कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेट वैल्यू 1 ही होगा चाहे किसी ऑर्डर का हो। वेयर आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं उसको, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। फिर लिखे हैं अगर दो मैट्रिक्स ए और बी को गुना कर दें उस मैट्रिक्स का डेट वैल्यू निकालें, इक्वल टू लिखे हैं डेट ए इंटू डेट बी। ए मान लीजिए एक थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है और बी एक थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है, अब दोनों मैट्रिक्स को आप गुना किए एक थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स क्रिएट हो गया, उस मैट्रिक्स का हम कहें कि डिटरमिनेंट वैल्यू बताइए। तो ये प्रॉपर्टी कह रहा है कि आप पहले मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए और मैट्रिक्स बी का निकाल लीजिए अलग से, और दोनों नंबर को गुना कर दीजिए जस्ट लाइक टू रियल नंबर्स। ये मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी नहीं है, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है जो हम लोग जानते हैं इस बात को कि दो डिटरमिनेंट को अगर जब हम गुना करते हैं, कोई एक डिटरमिनेंट है थर्ड ऑर्डर ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन ए एट ए नाइन, बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव बी सिक्स बी सेवन बी एट एंड बी नाइन, ए गुने बी, गुना करके आप एक नया चित्र बनाते हैं, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए एक्सपेंड करके, वो उतना ही आता है जितना कि अलग अलग दोनों का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने पर और मल्टीप्लाई करने पर आता होगा। यही तो लिखा है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। आप इसको कल्पना कीजिए, दो मैट्रिक्स है, गुना करके जब एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं ए गुने बी, तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन करते हैं मैट्रिक्स के किस में, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा। तो डिटरमिनेंट में हम लोग सीख चुके हैं कि अगर आप रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन करके एक नया डिटरमिनेंट बनाते हैं और उसका एक्सपेंशन कीजिएगा तो आपको वही वैल्यू आएगा जो अलग अलग निकाल करके गुना करने पर आता। सो दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस। ये सारा बात जो यहां लिखे हैं ये डिटरमिनेंट के बारे में बात किए हैं, क्योंकि अब जो पढ़ाई हम लोग आगे करेंगे उसमें अब लगातार हम डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस साथ साथ चलेगा, हम बार बार बोलेंगे डेट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। ऑफ कोर्स तभी बोलेंगे जब मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। ये आखिरी प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का, ध्यान से देखना है, कोई मैट्रिक्स ए को स्केलर से गुना कर दिए उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बोले कि निकालिए, तो इक्वल टू आंसर क्या होगा। देखिए एक मैट्रिक्स ए है स्क्वायर,
3, 2, 1 थर्ड ऑर्डर ले रहे हैं, 4, 0, माइनस 1, 5, 1, 6. हम चाहते हैं कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस मैट्रिक्स को, कर दिए. हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होगा, ये पूरा रो को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, इस पूरे रो को भी 2 से, 2 इंटू 4, 2 इंटू 0, 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू 5, 2 इंटू 1, 2 इंटू 6. और अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए क्या होता है. अब इसको एक्सपेंड करते वक्त हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी सीखे हैं कि किसी भी रो से कोई एक नंबर को कॉमन निकाल सकते हैं या किसी भी कॉलम से. तो हम एक्सपेंड करने के पहले अगर कुछ कॉमन निकलता है तो उसको बाहर निकालते हैं. तो आप इस रो से कॉमन निकालिएगा तो एक 2 निकलेगा, इस रो से भी कॉमन निकालिएगा तो एक और 2 निकलेगा, और इस रो से कॉमन निकालिएगा तो एक और 2 निकलेगा. यानी 2 क्यूब टाइम्स मिलेगा ये, जो कि 2 क्यूब टाइम्स डेट ए के बराबर मिल रहा है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. असल में डिटर्मिनेंट का जो एक्सपेंशन करते थे तो डिटर्मिनेंट में किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना, मतलब किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स में सबसे मल्टीप्लाई करते. अब जब मल्टीप्लाई कर दिए सबसे और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए बोले तो सब में से अब अलग अलग 2 कॉमन हुआ, 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2, यानी कि अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 8 गुना हो गया इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बाद. अगर ये फोर्थ ऑर्डर का होता मैट्रिक्स ए, और तब आप उस मैट्रिक्स को 2 से गुना करके उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन किए होते तो यहां 2^4 आ जाता बाहर में टाइम्स डेट ए. यानी nth ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स को किसी स्केलर से गुना कर दे k से, तब उसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन करे तो इट्स वैल्यू विल बी सेम एज k^n टाइम्स द डेट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए. चलिए आज हम यही समाप्त करते हैं.